रानी किचन में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए वेज पुलाव। तो देखिए कितना बढ़िया से बन के तैयार हुआ हमारा वेज पुलाव। चलिए बढ़िया सा बनाते हैं, तैयारी करते। पैन गर्म हो गया। पैन गर्म होने के बाद इसमें मैंने ऑयल डाला है और खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ, और इसके साथ थोड़ा सा जीरा और शाहजीरा भी डाला है। इसे अच्छे से चटकने देनी है। ये फटाफट से चटक रहे हैं, झटपट से बनने वाली पुलाव है। आप भी बना सकते हैं एक बार में, बिगिनर्स है फिर भी बना सकते हैं। ये आप हरी मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार डालेंगे, आपको चाहिए तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं। मैंने चॉप करके अनियन रखा हुआ था वो भी इसमें डाल दिया। ये देखिए गोल्डन फ्राई होने तक इसे फ्राई कर लेनी है, झटपट से फ्राई होंगे। अगर गाइज हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए नए हैं तो, और बेल आइकन को भी टच करें जो आने वाले नए वीडियो नई रेसिपी आपको सबसे पहले देखने को फ्री में मिलेंगी। तो देखिए मैंने गाजर को कट करके रखा था, गाजर इसमें डाल दिया है और थोड़ा सा सॉटे करना है, यानी कि फ्राई करनी है थोड़ी देर। इसे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेनी है। हमारा गाजर फ्राई हो रहा है जब तक इसमें कटे हुए मैंने बीन्स डाल दिए हैं। ये बीन्स छोटे छोटे आपके पास हैं तो डालें वरना स्किप करें। आपके पास जो वेजीज है वही डालेंगे। तो देखिए बस ये हमारा बीन्स फ्राई हो रहा है। बीन्स थोड़ा हरा हरा होता है इसलिए उसमें स्मेल आती है थोड़ी सी, उसे फ्राई कर लेनी है वरना उसका स्मेल आएगा आपको मुंह में। नमक डाल दिया है मैंने साथ में, इसी स्टेज पे नमक डाल दी हूँ मैं। और इसे भी ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गए हमारे बीन्स भी और गाजर साथ में। मैंने इस स्टेज पे मटर के दाने छील के रखे थे वो भी डाल दिए। ये फ्रोजन वाले नहीं है, ताज़े मटर है इसलिए मैंने पहले डाले, थोड़ी सी फ्राई हो जाए ये भी। और ये देखिए इसे भी लगातार चलाते हुए मैंने 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किया है। चावलों को मैंने धो के रखा हुआ था उसे इसमें मिक्स कर दिया है। ये हमारे चावल इसमें चले गए हैं और इसे अच्छी तरीके से फ्राई कर लेनी है। ये हमारे चावल फ्राई हो रहे हैं और देखिए अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर दिए। ये हमारे चावल मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरीके से मैं दिखा रही हूँ कितने अच्छे से फ्राई होने के बाद चावल खिले खिले हैं, अभी टूटे नहीं। इसको ज़्यादा चलाना नहीं है और इस स्टेज पे पानी डाल देनी है। 2 कप चावल डाला है तो 4 कप पानी डालेंगे। इस हिसाब से आप जितना क्वांटिटी में बना रहे हैं आप डालेंगे। इस वक्त इसमें लिड बंद कर देनी है। लिड बंद करने के बाद हाई फ्लेम उबाल आ जाए उसके बाद मीडियम टू लो फ्लेम करके पकाना है हमें। झटपट से तैयार होने वाला पुलाव है। ये देखिए कितना यम्मी सा खुशबू आ रहा है इसमें और तैयार हो गया है हमारा वेज पुलाव बनके। तो मैं इसे सर्व करती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखिए मैंने सर्व कर लिया है, प्लेट आउट करने के बाद आपको दिखा रही हूँ ये कितना बढ़िया से बन गया। बिल्कुल गर्म है और गर्म ही मैंने इसे सर्व किया है। और ये देखिए बहुत बढ़िया से धनिया के पत्तियों को कट करके मैंने ऊपर से डाल दिया है और सर्व किया है। कितना बढ़िया से बन के तैयार हो, एकदम ईजी वे में मैंने बताया है बनाने के लिए। आप भी बना सकते हो इस तरीके से वेज पुलाव। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।